हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक सी प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अरे को पास करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे अल्टर होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ नहीं किया था। आज जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करके देखते हैं कि कैसे एरे को हम पास करते हैं मेन प्रोग्राम से और कॉलिंग प्रोग्राम से फंक्शन में, और कैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ प्रोग्राम। तो जैसे हम लोग प्रोग्राम के शुरू में कमेंट लाइन लिखते हैं ये समझाने के लिए। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड। इसका प्रोग्राम का हम ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है आपका कि दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स द यूज ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल, एंड द ट्रांसफर ऑफ बोथ ए लोकल वेरिएबल एंड एन एरे टू द फंक्शन एंड द ट्रांसफर ऑफ बोथ द ट्रांसफर ऑफ बोथ ए लोकल वेरिएबल एंड एन एरे टू द फंक्शन एंड एन एरे टू द फंक्शन। इस चीज़ का हम आज ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड stdio डॉट h, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर a इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ आपने लिख दिया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद जो फंक्शन यूज होना है हमारा प्रोग्राम में, उस फंक्शन को भी यहाँ पे हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं इसका। तो हमने लिखा void मॉडिफाई, यहाँ लिखा हमने इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी और ये। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने मेन फंक्शन बनाया और उसकी बॉडी के अंदर पहले हमने डिक्लेयर किया इंटीजर बी इक्वल टू 2, ये क्या हो गया, ये हो गया लोकल वेरिएबल, ठीक। फिर इंटीजर काउंट, इंटीजर काउंट कॉमा C3, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया हमने एरे की डेफिनेशन। तो ये हो गया एरे डेफिनेशन, एरे को डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन फ्रॉम मेन, फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, मतलब फंक्शन को कॉल करने से पहले
मेन से जो भी वैल्यू हमारी डिस्प्ले करानी है। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, ये प्रिंट एफ किया हमने, प्रिंट एफ इक्वल टू हो जाएगा अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंट एफ कर देते हैं जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रिंट एफ इक्वल टू हमने लिख दिया प्रिंट एफ इक्वल टू, ये हमने लिखा ए इक्वल टू परसेंटेज डी कोट्स, अच्छा कोट्स अभी नहीं क्लोज करेंगे क्योंकि अभी बी की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हमने लिखा बी इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, ये हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया ए कॉमा बी, ठीक। तो पहले तो ये दो प्रिंट एफ लाइन आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे फॉर काउंट इक्वल टू जीरो काउंट इज लेस देन इक्वल टू टू और प्लस प्लस काउंट, ठीक है। अब फॉर के लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं सी काउंट इज इक्वल टू सी काउंट इक्वल टू 10 इंटू काउंट प्लस वन, काउंट प्लस वन, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भी हम प्रिंट एफ कराएंगे, तो अगली लाइन में हम चलते हैं, इसको फिर हम लिख देते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज सी प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कोट्स क्लोज्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका काउंट और यहाँ आ जाएगा सी काउंट। और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट बंद हो जाएगा, यहाँ पे फॉर की बॉडी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फंक्शन को कॉल किया मॉडिफाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया मॉडिफाई किसके लिए, बी और सी के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे हम फंक्शन को हमने एक्सेस किया, ठीक है। तो फंक्शन को एक्सेस कर लिया, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ फ्रॉम मेन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, यानी फंक्शन को कॉल करने के बाद, तो हमें आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब हमने लिखा प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी बी इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। अब ये हो गया फॉर काउंट इक्वल टू जीरो काउंट इज लेस देन इक्वल टू टू प्लस प्लस काउंट, ठीक है। और फिर हमने यहाँ प्रिंट एफ दिया, प्रिंट एफ सी स्लैश एन काउंट और सी काउंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने
ये बॉडी क्लोज कर दी, अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब ये जो मॉडिफाई फंक्शन हमने यूज किया है उसको हम जब डिफाइन करेंगे, ये मेन की बॉडी क्लोज हो गई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो मॉडिफाई फंक्शन यूज किया है हम उसकी डेफिनेशन देंगे। तो हम लिखा वॉइड मॉडिफाई इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब वॉइड की बॉडी शुरू की तो हमने यहाँ लिखा इंटीजर काउंट, फिर यहाँ हमने कहा प्रिंट एफ स्लैश एन फ्रॉम द फंक्शन, फ्रॉम द फंक्शन आफ्टर मॉडिफाइंग द वैल्यूज, आफ्टर मॉडिफाइंग द वैल्यूज, ठीक है, स्लैश एन कोट्स क्लोज्ड, ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू दे दिया हमने माइनस का 999, और फिर बी इक्वल टू भी हमने दे दिया माइनस का 999, ठीक है। अब इन वैल्यूज को जब आप प्रिंट कराएंगे तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज ए कोट्स ए इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर बी इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए कॉमा बी, ये हो गया। अब लूप चलाया हमने फॉर काउंट इक्वल टू जीरो, काउंट इज लेस देन इक्वल टू टू प्लस प्लस काउंट, और यहाँ पे मैं लिखा सी काउंट इज इक्वल टू -9, ठीक है। फिर प्रिंट एफ कर दिया आपने, प्रिंट एफ सी परसेंटेज जी इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा काउंट सी काउंट, ठीक है। और ये फॉर के बाद इसको हम कोई वैल्यू तो रिटर्न करनी नहीं, तो हम केवल रिटर्न स्टेटमेंट देके और फंक्शन की बॉडी क्लोज कर देंगे। अब देखिए अब क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, व्हेन दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग आउटपुट इज जनरेटेड, द फॉलोइंग आउटपुट इज जनरेटेड, ठीक है। देखिए पहली लाइन में तो जो पहला जहां हमने प्रिंट एफ दिया है, देखिए आउटपुट जो आएगा वो इस तरह लिखा हुआ आएगा, ये आएगा फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को कॉल करने से पहले मेन से क्या डिस्प्ले होगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी 0 इक्वल टू 10, सी 1 इक्वल टू 20, सी 2 इक्वल टू 30, ये होगा। फिर जब सेकेंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगा तो फिर आएगा आपका लिखा हुआ फ्रॉम द फंक्शन, ये फंक्शन की बॉडी के अंदर से डिस्प्ले होगा, आफ्टर मॉडिफाइंग द वैल्यूज, आफ्टर
मॉडिफाइंग द वैल्यूज। मॉडिफाई करने के बाद क्या आएगा, ए इक्वल टू -999 और बी इक्वल टू फिर से आएगा माइनस का 999। उसके बाद सी जीरो सी वन सी टू क्या आएगा, तो हम लिखेंगे सी जीरो इक्वल टू -9, सी वन इक्वल टू -9 और सी टू इक्वल टू -9, ये लिखा हुआ आएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम मेन, फिर से मेन में जाएगा कंट्रोल और आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन ये क्या आएगा, ए इक्वल टू आएगा -999, बी इक्वल टू आएगा टू और सी जीरो सी वन सी टू, सी जीरो सी वन और सी टू ये आएगा आपका -9 और -9। तो अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो आप ध्यान ये है कि देखिए क्या होता है इसमें, कि वी सी दैट द वैल्यू ऑफ ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ सी आर अल्टर्ड विद इन मेन एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंजेस दैट वर मेड इन मॉडिफाई। मतलब मॉडिफाई फंक्शन के अंदर जो हमने चेंजेस किए थे उसकी वजह से द वैल्यू ऑफ ए एंड द एलिमेंट ऑफ सी आर अल्टर्ड। ठीक है, ए और सी की वैल्यू जो है अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हाउएवर द चेंज मेड टू बी इज कन्फाइंड टू द फंक्शन एज एक्सपेक्टेड। यानी बी में जो हमने चेंज किया है वो केवल फंक्शन के अंदर ही कन्फाइंड रहेगा और ए और सी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यही जो है एक्सपेक्टेड भी था। ठीक, तो अब इस प्रोग्राम के रिजल्ट को और जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रोग्राम बनाया उससे आप कंपेयर करिए, तो आपको जो ग्लोबल वेरिएबल का यूज है वो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।